पिछली वीडियो में हमने देखा था कि राजा रायदेव किश्तवाड़ के इतिहास के तानाशाह शासक साबित हुए थे और इसके समय में ही गनवाइज और रोटर्स ने इनके खिलाफ विद्रोह कर छेड़ दिया था। हालांकि राजा रायदेव ने किश्तवाड़ की राजगद्दी फिर वापस छीन ली थी। अब किश्तवाड़ में अगरदेव राज्य कर रहे थे, जो रायदेव के पोते और गौरदेव के पुत्र थे। राजा अगरदेव ने अपने राज्य बढ़ाने के लिए अब सरथल पर आक्रमण करके वहां पर कब्जा कर लिया था और सरथल का परगाना अपने भाई सुंदर राय को जागीर में दिया था। और अगरदेव के शासनकाल के दौरान ही अष्टभुजा देवी, जो कालीगढ़, जिसे अब गालीगढ़ कहते हैं, कालीगढ़ में गुमनामी में चली गई थी। अब वो पास के जंगल में ही प्रकट हुई। इसके बाद ही मूर्ति की स्थापना सरथल के अग्राल गांव में की गई और मंदिर भी वहां पर बनाया गया। अग्राल गांव का नाम भी राजा अगरदेव के नाम पर पड़ा है। और इनके बाद लक्ष्मण देव ने शासन किया, जिन्होंने दक्षिण का परगाना अपने अंडर किया था। और लक्ष्मण देव के बाद अब आए उनके पुत्र संग्राम सिंह, जिन्होंने चिच्चा और सजर अपने अंडर किया। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब गंगा देव ने चेरजी, पुलर और नागसिनी पर कब्जा किया था, तब चिच्चा और सजर बकाया रह गए थे, जो अब संग्राम सिंह ने अपने राज्य के साथ मिला लिए थे। जो आज हम चौगान देखते हैं, उस समय में वहाँ देवदार का जंगल हुआ करता था, जहाँ एक राक्षस हुआ करता था, जो चौगान से गुजरने वाले लोगों के लिए आतंक बन चुका था। और राजा संग्राम सिंह के शासन काल में ही नागसिनी में एक प्रसिद्ध ज्योतिष और संस्कृत के विद्वान रहते थे, जिनका नाम संग्राम भट्ट था। संग्राम भट्ट जो ज्योतिष थे, उन्होंने ही इस राक्षस का अंत किया था, जिसके बाद में किश्तवाड़ के राजा ने संग्राम सिंह ने संग्राम भट्ट को जागीर में संग्राम भाटा दिया, जो उनके नाम पर ही वहां नाम रखा गया था। जो आज का संग्राम भाटा है, वो ज्योतिष संग्राम भट्ट के नाम पर ही पड़ा है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।